अभी हम लोग ड्रा करेंगे स्क्वायर रूट स्पायरल, और मेरा जो मेथड है बच्चों वो आप लोगों को काफी ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, काफी यूजी वे में आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर काफी अच्छा दिखेगा। प्लस आप जानेंगे कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि स्केल पे आपको जो यूनिट लेना है ना वो 1 इंच का यूनिट लेना है, याद रखिएगा कितने का, 1 इंच का। तो इस प्रकार से आप पेपर पे सबसे पहले 1 इंच खींचिए। तो देखिए ये पहला 1 इंच हो गया। अब यहां से देखिए ये अगर पॉइंट ओ है, इसको पॉइंट ओ लेना है, तो यहां से 90 डिग्री कैसे खींचेंगे कि जो स्केल है उसका इंच वाला जो साइन है ना उसको ऊपर में रख देंगे, जैसे कि मैं रख रहा हूं आप देख पा रहे हैं। और यहां से हम लोग फिर 1 इंच खींच लेंगे। तो ये 1 इंच जो है दोनों एक एक यूनिट हो गया। तो पहला हमको जो मिलेगा ये मिलेगा अंडर रूट टू, ठीक है। ये जो लेंथ मिला अपने को क्या मिला, अंडर रूट टू। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से इस स्केल के साइन को यहां पे फिक्स कर देंगे क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होता है। फिर यहां से एक यूनिट हम लोग लेंगे, ये एक यूनिट ले लिए, ये आपका एक यूनिट है। फिर इसको उसे मिलाएंगे, देखिए ध्यान से इस प्रकार से। ओ से मिलाने के बाद ये हमको जो लेंथ मिला पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट थ्री हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस स्केल के साइन को यहाँ पे मिलाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री है। फिर यहाँ से एक लेंथ खींचेंगे, ये लेंथ जो है ना एग्जैक्ट 1 यूनिट है। फिर इसको ओ से मिलाएंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलाना है। तो क्या हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, मतलब 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसको मिलाएंगे स्केल के साइन को क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री है। फिर यहाँ से एक यूनिट ड्रा करेंगे ऐसा, ये एक यूनिट है। फिर इसको मिलाएंगे हम लोग ओ से, बिल्कुल ऐसा देखिए ध्यान से, ये मिला लिए हम लोग ओ से, ये कितना हो गया, अंडर रूट 5। फिर इसके बाद स्केल को यहाँ पे फिक्स करेंगे बिल्कुल ऐसा। फिर इसको एक यूनिट हम लोग ड्रा करेंगे बिल्कुल ऐसा। फिर इसको यहां से मिला देंगे, ठीक है, ये एक यूनिट है, ये हो जाएगा अंडर रूट 6। फिर क्या करेंगे, फिर से इसको सेट करेंगे यहीं पे, है ना, ऐसा करके बिल्कुल एग्जैक्ट। और यहां से फिर एक यूनिट ड्रा करेंगे बिल्कुल ऐसा, ये एक आपका एक यूनिट है। फिर इसको उससे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7। कितना मिला अपने को, अंडर रूट 7। फिर ध्यान से देखिए यहां से फिर इसको ड्रा करेंगे हम लोग एक यूनिट, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। आ रहा है समझ में आप लोगों को, बिल्कुल इत्मीनान से बनाना है, इसमें हड़बड़ी नहीं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसा ये एक यूनिट आ गया। फिर से फिर इसको मिलाएंगे किससे, वो से, ते हो जाएगा अंडर रूट 8। फिर यहां से हम लोग एक यूनिट इसको ड्रा करेंगे एग्जैक्ट एक यूनिट, ये ऐसा। अब एक यूनिट ड्रा करने के बाद हम लोग इसको मिलाएंगे फिर से ओ से, बिल्कुल ऐसा। तो देखिए क्या हो गया, रूट 9 हो गया जो कि 3 के इक्वल होता है, जैसे रूट 4 जो है ना वो 2 के इक्वल होता है। फिर से यहां पे देखिए एक यूनिट ले लेंगे, आ रहा समझ में आप लोगों को, बिल्कुल ऐसा एक यूनिट ले लिए। अब ये जो एक यूनिट है ये अब क्या हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा, ऐसा मिलाएंगे इसको। तो यहां से ऐसा मिला लेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को रूट 10। फिर क्या करेंगे, फिर से यहां से एक यूनिट हम लोग खींचेंगे, ये एक यूनिट हम लोगों ने खींचा। अब इस एक यूनिट को फिर से मिला देंगे हम लोग ओ के साथ, देखिए ओ से मिला दिया, ये क्या हो गया, रूट 11, ये एक यूनिट हो गया। फिर यहां से हम लोग एक यूनिट का लाइन खींचेंगे, ये देखिए ये आपका एक यूनिट हो गया। फिर इसको मिलाएंगे ओ से, ये हमने ओ से मिला दिया, ये कितना हो गया, अंडर रूट 12। अब फिर देखिए फिर से यहां से हम लोग एक यूनिट का ड्रा करेंगे, आ रहा समझ में आप लोगों को, ये एक यूनिट हमने ड्रा कर लिया। एक यूनिट ड्रा करने के बाद हम लोग फिर से इसको मिलाएंगे पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ओ हो गया, ये एक यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, अंडर रूट 13।
अब फिर से इसमें हम लोग एक मिनट का ड्रा करेंगे, बिल्कुल ऐसा ये देखिए, एक मिनट का हमने ड्रा कर लिया। अब इसको ड्रा करने के बाद फिर से इसको मिलाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो कितना हो गया, एक यूनिट हो गया, ये हो गया अंडर रूट 14। अब अंडर रूट 14 के बाद फिर से हम लोग इसमें एक यूनिट का ड्रा करेंगे ऐसा, और एक यूनिट का ड्रा करने के बाद फिर से इसको मिलाएंगे ये ऐसा, ठीक है। तो एक यूनिट हो गया, ये हो गया आपका अंडर रूट 15। अब देखें और संभव है क्या, और पॉसिबल है क्या। हाँ, एक और दिख रहा है तो एक और ड्रा कर लेते हैं, ये यहां पे हो गया, इसको फिर मिला देंगे, ये देखिए ये मिला दिए, ये हो गया आपका एक यूनिट, ये क्या बना आपका अंडर रूट 16, ठीक है, जो कि ये 4 के इक्वल होता है। और देखें क्या पॉसिबल है। हाँ, इसमें एक बार और खींच लेते हैं, एक बार और खींच लिए एक यूनिट का। अब देखिए जब इसको मिला रहे हैं ना लास्ट वाला, तो ओवरलैप कर रहा है, तो आखिरी वाला होगा, तो ये देखिए ये आ गया, अब एक यूनिट है और ये क्या है अंडर रूट 17 है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जो स्क्वायर रूट स्पायरल है उसको ड्रा कर लिया है। आशा करता हूँ ये जो स्पायरल रूट स्क्वायरल है आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।